पास्ट लाइफ रिग्रेशन आज दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय होने वाली विधा है। अपने पिछले जन्मों को देखना और अनुभव करना भला किसे अच्छा नहीं लगता। सभी इसको लेकर उत्सुकता से भरे रहते हैं। मौका मिले तो हम में से ज्यादातर लोग इसका अनुभव करना चाहेंगे। अगर पिछले जन्म में वर्तमान जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाए या फिर किसी समस्या का समाधान दिख जाए तो फिर क्या कहना। जी हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपके वर्तमान जीवन में चल रहे उथल पुथल से लेकर किसी विशेष समस्या का भी समाधान मिल सकता है। कौन से सबक सीखे आपने इस जन्म को जीकर? क्या वर्तमान के लिए भी कोई सबक है? पिछला जीवन देखने के बाद ज्यादातर लोगों को ये पता चल जाता है कि उनके जीवन में अभी जो घटनाएं घट रही हैं या फिर अभी जो उनके भीतर सवाल हैं उसका कारण क्या है। अक्सर ये कारण पिछले जन्मों से संबंधित होते हैं। द अर्बन मॉन्क के जरिए हम आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने वाले लोगों के अनकट एक्सपीरियंस दिखाने जा रहे हैं। पहली कड़ी में देखिए एक ट्रांसजेंडर भैरवी की कथा। भैरवी ने एक ऐसे सवाल का जवाब पास्ट लाइफ में यानी पिछले जन्म में जाकर तलाशने का निर्णय लिया जो उन्हें जीवन भर से परेशान किए हुए था। एक तड़प उनके भीतर हमेशा बनी रहती थी। उस सवाल का जवाब उनको हर हाल में चाहिए था। तो क्या हुआ उनके सवाल का? क्या जवाब उनको मिल गया? और पास्ट लाइफ से लौटकर उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही, देखिए इस छोटे से वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम भैरवी है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और अभी मैं यहाँ डोमा में एक ओशो ध्यान केंद्र है, यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक करने के लिए आया था और 3 घंटे चला ये प्रोसेस और काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग रहा। और मैं बता नहीं सकता आपको, ये इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग है और मैं इसको शब्दों में अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट अभी मैं अपनी सेंसेस में भी नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे करके उठा हूँ और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पीछे कहीं हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसे करना चाहिए। ठीक है, आपका जो आपने जो जिस तरह की चीज़ें हैं, कुछ सवाल आप जानना चाहते थे। हाँ, इसका सबसे जो अच्छा पहलू है वो ये है कि आप पीछे लौट कर जब आप जाते हैं तब आप ये देख सकते हैं कि आज इस जीवन में कहीं अगर कोई आपकी समस्या है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको आगे बढ़ने में या सक्सेस में, तो उसका रीज़न, उसका सोर्स क्या है। तो पीछे जाके हम ये पता कर सकते हैं कि वो सोर्स क्या है और उसको हम कैसे रेमेडी फाई करें। और दूसरा एक अच्छा पहलू मुझे इस टेक्निक का ये भी लगा कि आप जब अपने सबकॉन्शियस लेवल पर चले जाते हैं तो चीज़ें चमत्कारिक रूप से घटने लगती हैं और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं आपके साथ में जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। और एक अच्छी बात जो मुझे लगता है और मैंने जो सोच रखा है कि मेरी लाइफ का एक मिशन होना चाहिए और उस मिशन पर मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे इससे आज पता चला और इसमें काफ़ी दृढ़ता आई है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। जी, आपको लगता है कि सवाल का जवाब मिल जाने से एक रिलैक्सेशन घटता है, इससे आराम हो जाता है, अंदर भीतर कोई शांत हो जाता है, अभी जो आपने देखा? हाँ, और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ और वो जो काफ़ी ऊहा पोह सी थी दिमाग में अब वो शांत हो गई है और मैं बहुत आई एम होम वाला फील कर रहा हूँ।